Mappa Story. Download the Mappa Story app from Google Play Store now. Welcome to Grand Mappa Stories. Nothing can be more special than listening to a story in our grandparents' voice. Through Grand Mappa Stories, let's bring back the magic of listening to our dear grandmas and grandpas narrate some delightful tales. हेलो बच्चों, मेरा नाम सुनीता दादी है। आज मैं मापा स्टोरी पर एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है मुफ्त की कुल्फी। मुफ्त की कुल्फी। बार बार घड़ी को देखती भंवरी, छत से तकती, पैर पटकती, आखिर कब सुनाई देगी कुल्फी काका की घंटी। टन 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 आई आवाज गली से, अपना छोटा बटुआ लिए भंवरी भागी तेजी से। आज क्या लोगी भंवरी बेटी, काका ने धीमी आवाज में पूछा। मम्मी और पापा खाएंगे कुल्फी एक एक, बबलू के लिए एक और, उंगलियां चलाती भंवरी ने फट से जोड़ा। दो और एक हुए तीन, पांच के तीन हो गए 15। नानी कहती है नहीं खाएगी एक हर रोज, लेकिन रात में चोरी चुपके चाटती दिखती है रोज। काका ने पूछा कितने हुए भंवरी बेटा। भंवरी ने दिमाग पर जोर लगाया, 3 और 1 हुए 4, 5 के 4 हुए 20। और अपने लिए, काका ने पूछा हंसकर। मैं तो बिल्कुल भूल गई कुल्फी काका, ये लीजिए 5 कुल्फी के हुए 25। अचानक एक बड़ा कौवा भंवरी के सिर के ऊपर से उड़ता हुआ आया और उसके हाथ से कुल्फी पंजों में दबाकर उर से गायब हो गया। भंवरी उदास काका को बोली, बस 25 ही रुपए थे मेरे पास। काका बोले, चिंता मत करो भंवरी बेटा, तुम्हारे लिए एक मुफ्त की कुल्फी। भंवरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। टन 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 गए कुल्फी काका दूसरे बच्चों को खिलाने कुल्फी। If you are a grandparent or know a grandparent who would like to record our next story, send us a message on the Mappa Story Facebook page. Mappa Story. Because stories can do more. Download the Mappa Story app from Google Play Store now.